भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष कुसुम पटेल, महानगर उपाध्यक्ष आरती पाठक एवं सह संयोजक सीमा यादव, अजय टंडन, इंदु सिंह, भारती सिंह, चंदा देवी आदि भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की बहनों एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गोपाल यादव के निवासी स्थान पर नवरात्रि के 8वें दिन मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी शक्ति के प्रोग्राम के तहत आज कन्या पूजन का आयोजन हुआ और जिसमें कन्याओं को तरह तरह के व्यंजन खिलाकर उपहार देकर कन्याओं का पूजन पूरे विधि विधान से किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि मोदी जी के महिला आरक्षण और महिलाओं को बढ़ाने के लिए जो बातें कही जा रही हैं उसी के साथ आज यहां पर कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया जिसमें सुनारपुरा महामंडल की संयोजक आरती पाठक सह संयोजक सीमा यादव आदि लोगों के साथ महिला मोर्चा की तमाम बहनें सम्मिलित हुई। सीमा यादव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले से सभी महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। 2024 के लिए हम सभी महिलाओं ने कमर कस ली है, हम जन जन तक लोगों को मोदी जी की सोच पहुंचाएंगे। मैं महामना मंडल से सीमा यादव महिला मोर्चा से हूँ और जो कि धार्मिक स्थल है यहाँ पर और इसीलिए पूजा पाठ ये सब हमारे मोदी जी भी करते हैं और हम सब भारत महिला मोर्चा भी तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं क्योंकि आहत 2024 के चुनाव को सामने रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने कमर कस कर ये प्रण लिया है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसी कारण से हमारे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बहुत से अभियान चल रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पदयात्रा निकाली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से और हमारे जो महिला सम्मेलन हो रहा है आज एक यहाँ पर जो करने का उद्देश्य था एक यह वरिष्ठ कार्यकर्ता का घर है। पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल यादव और चंदा देवी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन्होंने 9 दिन उपवास करके पूजा किया है। इस सब कारणों को देखते हुए इसलिए उनके आवास पर हम लोगों ने कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा महिला मोर्चा की टीम महामना मंडल द्वारा किया जा रहा है जिसमें कि हमारी आरती पाठक दीदी का सहयोग है, हमारी कुसुम पटेल दीदी, नम्रता दीदी, हमारी सभी बड़ी बहनों का प्यार और छोटी बहनों का साथ और सहयोग के द्वारा ही इस कार्यक्रम को नवरात्रि के पर्व उपलक्ष्य पर हम लोगों ने कन्या पूजन का कार्यक्रम सफल किया है। धन्यवाद, धन्यवाद है, धन्यवाद है मोदी जी का, धन्यवाद है जो 33% आरक्षण महिलाओं के विषय में वो सोच रहे हैं। उनकी सोच को देखते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहन भी उनके विषय के उनको पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए तो ये कार्यक्रम हम लोग तहत है जनसंपर्क जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तरह तरह के अभियान हम लोग चला रहे हैं, किसी भी माध्यम से जनता के बीच में रहना चाहते हैं। जी परिचय अपना बता दें मैडम। मैं कुसुम सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष महानगर वाराणसी। आज अष्टमी के मुहूर्त पर क्या हुआ? जी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर तरह के कार्यक्रम महिला मोर्चा के द्वारा 18 कार्यक्रम आए हैं जिसमें से एक कार्यक्रम आज कन्या पूजन का था जो कि महामना मंडल में आरती पाठक हमारी उसकी संयोजक हैं और सीमा यादव के अध्यक्षता में इनके मंडल में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हम लोग नवरात्र में सर्वप्रथम हम लोग देवी की दुआ से माननीय प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र के लिए हम लोग शुभकामना करेंगे और जिस तरह से हमारा नेतृत्व हर तरह के कार्यक्रम को लेकर चल रहा है, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में ना हो। तो आज कन्याओं को पूजा गया और यहाँ पे हमारी तमाम मंडल की बहनें भी उपस्थित रहीं और इनका सीमा जी का परिवार भी उपस्थित रहा। ऐसे में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ मंडल में सफल किया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।